5 class. Hope you're fine and doing well. Open your science books. Unit 2. Our central nervous system. Central nervous system हमारा क्या है? Our brain work even when we are sleeping. हमारा जो brain होता है ये work करता है जब हम लोग सो भी रहे होते हैं. It control and coordinate the function of entire body. Perform the simplest of tasks. ये जो है ये कौन सा हमारी जो जिस्म के अंदर जो function जो control कर रहा होता है वो ये हैं blinking of an eye. हमारी जो eyes होती है वो blink जब करती है उस चीज़ को देख रहा होता है. एग्जाम्पल सॉल्विंग मैथ्स क्वेश्चन. द ह्यूमन ब्रेन इज लोकेटेड इन साइड द हेड. जो ह्यूमन ब्रेन होता है हमारा इंसानी दिमाग होता है ये हेड के अंदर होता है. विच इज़ प्रोटेक्ट बाय अ बोन कॉल्ड द स्कल. ये हमारी जो प्रोटेक्ट कर रहा होता है जो हड्डियाँ होती हैं साइड पर उससे इसको हम लोग स्कल कहते हैं. ये इस किस्म का दिखाई दे रहा होता है. द स्कल इज़ वेरी हार्ड. ये जो स्कल होती है खोपड़ी होती है ये बहुत हार्ड होती है सख्त होती है. कैन यू एक्सप्लेन व्हाट अ ह्यूमन ब्रेन लुक लाइक. आप लोग हमें एक्सप्लेन कर सकते हैं कि ह्यूमन ब्रेन हमारे इंसानी जो ब्रेन होता है वो किस तरह का दिख रहा होता है. जी वो इस तरह का दिख रहा होता है जिस तरह का अखरोट होता है. ऐसे देख लेते हैं क्या लिखा हुआ है. हैव यू एवर सीन अ वॉलनट. आप लोगों ने कभी वॉलनट देखा है. इट इज़ पिंकिश ब्राउन इन कलर. ये जो हमारा ब्रेन होता है ये पिंकिश ब्राउन इन कलर का होता है. द ह्यूमन ब्रेन इज़ द सेम शेप एज अ वॉलनट. जो ह्यूमन ब्रेन हमारा जो इंसानी दिमाग होता है ब्रेन होता है ये किस तरह का दिखाई दे रहा होता है. अखरोट की तरह का दिखाई दे रहा होता है. इस तरह का दिखाई दे रहा होता है ठीक है. बट अनलाइक अ वॉलनट इट इज़ सॉफ्ट एंड सॉगी एंड हैज़ मैनी फोल्ड एंड रिंकल. ये जो होता है ये नरम होता है. ये वैसा नहीं होता है मतलब अखरोट की तरह का दिख रहा होता है लेकिन वैसा नहीं होता है. ये सॉफ्ट होता है नरम होता है सॉगी होता है एंड मैनी फोल्ड एंड रिंकल. इसके ऊपर बहुत सारे फोल्ड्स होते हैं मतलब और रिंकल इसके ऊपर बहुत सारी झुरियाँ सी इसी टाइप की बनी हुई होती हैं. द ह्यूमन ब्रेन इज एन ऑर्गन विच इज मेड अप ऑफ सेल कॉल्ड नर्व. सेल ये जो हमारा ह्यूमन ब्रेन होता है ये एक ऑर्गन है. ये बना हुआ होता है एक सेल से जिसको हम लोग कहते हैं नर्व सेल. आल्सो कॉल्ड न्यूरॉन. इट कंसिस्ट ऑफ मिलियन ऑफ न्यूरॉन्स. ये कंसिस्ट करता है मिलियन ऑफ न्यूरॉन से. विदाउट न्यूरॉन वी कैन नॉट सर्वाइव. हम लोग न्यूरॉन के बगैर जो है वो सर्वाइव नहीं कर सकते. इज इट क्लियर. नीचे लिखा हुआ है द स्ट्रक्चर ऑफ ब्रेन. द ह्यूमन ब्रेन इज डिवाइडेड इनटू 3 मेन पार्ट ऑफ द ब्रेन ऑफ देयर स्पेसिफिक जॉब. जो हमारा ह्यूमन ब्रेन है इंसानी जो ब्रेन है हमारा दिमाग है ये डिवाइड होता है 3 मेन पार्ट्स पे बेस कर रहा होता है. ये इनकी स्पेसिफिक जॉब्स होती हैं जिस तरह के सेरिब्रम हो गया एंड मेड्यूला हो गया. आप लोगों को इस किस्म की एक डायग्राम आपके बुक के अंदर है इस तरह का ये दिखाई दे रहा होता है. सेरिब्रम मेड्यूला सेरिब्रम स्पाइनल कोर्ड. 12 पे आ गई हूँ मैं और यहाँ लिखा हुआ है जी नंबर 1 पे सेरिब्रम. सेरिब्रम में क्या लिखा हुआ है. द लार्जेस्ट एंड अपर मोस्ट पार्ट ऑफ द ब्रेन इज द सेरिब्रम. इट मेक्स अप 85% ऑफ द ब्रेन वेट. इट इज़ डिवाइडेड इनटू 2 पार्ट्स वर्टिकली. द राइट पार्ट कंट्रोल द लेफ्ट साइड द ऑफ द बॉडी एंड वाइस वर्सा. अच्छा जी क्या लिखा हुआ है. सेरिब्रम में द लार्जेस्ट एंड अपर पार्ट ऑफ द ब्रेन इज़ द सेरिब्रम. ये सबसे बड़ा लार्जेस्ट एंड अपर मोस्ट पार्ट ऑफ द ब्रेन होता है. ये दिमाग का हमारा सबसे बड़ा हिस्सा होता है और ये अपर मोस्ट पार्ट ऑफ द ब्रेन होता है. इसको हम लोग सेरिब्रम कहते हैं. इट इज़ डिवाइडेड इनटू 2 पार्ट्स वर्टिकली. ये दो पार्ट ये देखें आप लोगों को तस्वीर में नज़र आ रहा है डायग्राम में. ये दो पार्ट्स वर्टिकली डिवाइडेड होते हैं ठीक है हमारे दिमाग के अंदर. और लेफ्ट साइड राइट पार्ट कंट्रोल द लेफ्ट साइड ऑफ द बॉडी. क्या लिखा हुआ है जी नंबर द सेरिब्रम इज़ द थिंकिंग पार्ट ऑफ द ब्रेन एंड कंट्रोल ओवर द वॉलेंट्री एक्शन. जो सेरिब्रम होता है हमारा ये थिंकिंग पार्ट हमारा सोचने वाला पार्ट होता है ब्रेन का. ये कंट्रोल कर रहा होता है हमारे सब वॉलेंट्री एक्शंस ठीक है. कैन बी कंट्रोल्ड द सेरिब्रम कंट्रोल एक्शन लाइक लिसनिंग. हमारी हम लोग जो लिसन कर रहे होते हैं सुन रहे होते हैं रीडिंग जो हम रीड कर रहे होते हैं थिंकिंग सोचने की सलाहियत और रिमेंबरिंग जो हम याद कर रहे होते हैं एंड सो ऑन. इट आल्सो कंट्रोल ऑल द 5 सेंसेस. ये कंट्रोल कर रहा होता है एक्चुअली 5 सेंसेस को भी. साइट हियरिंग स्मेल टेस्ट एंड टच. किसी चीज़ को टच करने को टेस्ट करने को सुनने की सलाहियत स्मेल करने की सलाहियत को भी सेरिब्रम में ये होता है ठीक है. ये कंट्रोल कर रहा होता है. इट आल्सो कंट्रोल अवर फीलिंग. ये हमारी फीलिंग को भी कंट्रोल कर रहा होता है. वाह माशाल्लाह. सेरिब्रम सेली
सेरिब्लम इसको कहते हैं. नंबर टू इज सेरिब्रम. द सेरिब्रम लोकेटेड एट द बैक ऑफ द ब्रेन इज बिलो द सेरिब्रम एंड अबव द मेड्यूला. इट इज मच स्मॉलर देन द सेरिब्रम. ये जो होता है ये उससे ज़रा छोटा होता है सेरिब्रम से. और सेरिब्रम जो होता है ये बैक ऑफ द ब्रेन होता है, हमारे पिछले हिस्से में होता है, मतलब पीछे वाला दिमाग होता है हमारा. द सेरिब्रम एंड अबव द मेड्यूला ये कंट्रोल फंक्शन क्या कंट्रोल कर रहा है, बॉडी बैलेंस मूवमेंट एंड कोऑर्डिनेशन ऑफ मसल्स. मतलब ये हमारे जो मसल्स होते हैं उनको आगे पीछे जैसे हो रहे होते हैं वो करता है, उस चीज़ को कंट्रोल करता है, बैलेंस करता है हमारी बॉडी को. और बाकी ये क्या करता है, ये और चीज़ें कंट्रोल करता है. इट इज़ अवर सेरिब्लम डैट हेल्प अस द स्टैंड अपराइट पोजीशन कीप अप द अवर राउंड. अदर एक्टिविटी डैट आर कंट्रोल बाय द सेरिब्रम आर जंपिंग, वॉकिंग, राइडिंग, स्विमिंग एंड मैनी मोर फिजिकल एक्टिविटी. ये बहुत सारी एक्टिविटीज़ को और भी कंट्रोल करते हैं, जैसे कि जंपिंग हो गई, वॉकिंग हो गई और राइडिंग, स्विमिंग एंड मैनी मोर फिजिकल एक्टिविटीज़. अच्छा जी, मेड्यूला क्या चीज़ है जी. द सिंपलेस्ट एंड लोएस्ट पार्ट ऑफ द ब्रेन इज कॉल्ड द मेड्यूला और ब्रेन स्टेम. जो सिंपलेस्ट स्मॉलेस्ट सबसे छोटा और लोएस्ट पार्ट होता है हमारे ब्रेन का वो होता है मेड्यूला, जिसको हम ब्रेन स्टेम भी कहते हैं. द मेड्यूला लाइज बीनीथ द सेरिब्रम. इट इज कनेक्ट द ब्रेन ऑफ द स्पाइनल कोड. ये कनेक्ट होता है स्पाइनल कोड से ब्रेन जो दिमाग में होती है स्पाइनल कोड उससे ये अटैच होता है. विच रन डाउन द नेक एंड बैक. ये कहाँ पर होता है, नेक एंड बैक के रन डाउन होता है. इट कंट्रोल इनवॉलेंट्री एक्शन. ये कंट्रोल कर रहा होता है सब इनवॉलेंट्री एक्शन. जो सेरिब्रम होता है वो वॉलेंट्री एक्शन कंट्रोल कर रहा था और ये इनवॉलेंट्री एक्शन हमारे कंट्रोल कर रहा होता है. ठीक है. द मेड्यूला कंसिस्ट ऑल द इनवॉलेंट्री एक्शन ऑफ द बॉडी लाइक ब्रीथिंग, डाइजेशन ऑफ फूड, ब्रीथिंग ब्रीथ करना, मतलब के जो हम लोग ब्रीथिंग सांस ले रहे होते हैं, डाइजेशन फूड जो हम लोगों ने खाया पिया होता है ये उस चीज़ को मतलब कंट्रोल कर रहा होता है. हार्ट बीट एंड ब्लड सर्कुलेशन को कंट्रोल कर रहा होता है. ठीक है. स्पाइनल कोड एंड वर्टिब्रे ये इस किस्म की दिखाई दे रही होती है. नंबर 14 पे आ जाइए जी. पेज नंबर 14 पे लिखा हुआ है द नर्वस सिस्टम. नर्वस सिस्टम क्या होता है. द नर्वस सिस्टम इज मेड अप ऑफ द ब्रेन. जो नर्वस सिस्टम होता है ये बना हुआ होता है ब्रेन से. द स्पाइनल कोड एंड अ लार्ज नेटवर्क ऑफ नर्व ऑल ओवर द बॉडी. द नर्वस सिस्टम हेल्प अस द कम्युनिकेट बाय सेंडिंग एंड रिसीविंग काउंटलेस मैसेजेस एंड अलाउ अवर द ब्रेन टू कंट्रोल. ये जो होता है ये नर्वस सिस्टम किस लिए होता है, ये हमें जो हमारे मैसेजेस मीन्स कि जो लोग बोल रहे होते हैं, जो हम सुन रहे होते हैं, काउंटलेस मैसेजेस ये कम्युनिकेट और सेंड कर रहा होता है. इसका दस नर्वस सिस्टम का ये काम होता है. ठीक है. मैसेजेस अलाउड अवर ब्रेन, हमारे ब्रेन को अलाउ कर रहा होता है जी ये काम बोल रहे हैं, तो वो चीज़ ये कंट्रोल कर रहा होता है. व्हाट इज गोइंग इन अवर सराउंडिंग, जो हमारे सराउंड लोग बोल रहे होते हैं. ये देखिए ये होता है ये ब्रेन, ये नर्व्स होती हैं छोटी छोटी पतली पतली, ये नर्व्स हैं आप लोगों की और ये है पतली सी जो जा रही है लाइन से, ये है आप लोगों की स्पाइनल कोड. We use our brain for numerous activities in our daily routine such as solving math question. हम लोग math question जो solve कर रहे होते हैं, doing homework, playing video games, etc. The procedure move forward when the spinal cord sending messages to the brain. The nerve carry these messages in the form of impulses to the brain. Command the right part of the act. Nerve work like jointed wires that carry communication signal all around the body. जी इस पैराग्राफ में बताया हुआ है जो जो नर्व कम्युनिकेट कर रही होती हैं, जो हमारे ब्रेन से वो पहले मैसेजेस पहुंचा रही होती है जो हम काम कर रहे होते हैं. फॉर एग्जांपल सॉल्विंग मैथ क्वेश्चन, डूइंग होमवर्क्स, जो कुछ भी हम लोग कर रहे होते हैं ये मैसेजेस पहुंचाते हैं इंपल्सिस टू द ब्रेन. हमारे ब्रेन को ब्रेन कमांड करता है राइट पार्ट ऑफ द एक्ट अपॉन नर्वस वर्क लाइक जॉइंटेड वायर्स होती हैं, जिस तरह की हमारे नेट वायर्स होती हैं इस तरह की वायर्स होती हैं. कम्युनिकेशन सिग्नल्स ऑल अराउंड ऑफ द बॉडी, हमारे मतलब के हमारे बॉडी के अंदर, हमारे दिमाग के अंदर इस तरह की नर्व वायर्स होती हैं. द टू मेन टाइप ऑफ नर्व्स आर सेंसरी नर्व और मोटर नर्व. दो तरह के हमारे पास नर्व्स हैं हमारे दिमाग में होती हैं. डैट कैरी मैसेजेस फ्रॉम अवर सेंस ऑर्गन टू द स्पाइनल कोड विच कैरीज देन टू द ब्रेन. मोटर नर्व डैट कैरी मैसेजेस फ्रॉम अवर ब्रेन
टू अवर मसल्स टू टेल व्हाट टू डू. सेंसरी नर्व जो होती हैं ये मैसेजेस जो होती हैं ये सेंस ऑर्गन होती हैं. ये स्पाइनल कोड ये सेंस ऑर्गन होती हैं, मतलब कि ये हमारे जितने भी स्मेल हो गई, टच करने के सलाहियत हो गई, ये उसको हम लोग उसमें आ जाती है सेंसरी नर्व. और मोटर नर्व जो होती है जो हमारे मसल्स को हिला रहे होते हैं, हम लोग इधर उधर मूवमेंट कर रहे होते हैं, ये उस चीज़ के मैसेजेस पहुँचाते हैं, इनको कहते हैं हम मोटर नर्व. ठीक है, और यहाँ आ जाइए. फॉर एग्जांपल इस पेज पे क्या लिखा हुआ है जी, इफ़ यू पुट अ हैंड ऑन आइस योर सेंसरी नर्व विल सेंड अ मैसेज टू योर ब्रेन द स्पाइनल कोड. फॉर एग्जांपल अगर आप लोग ठंडी किसी चीज़ को हाथ लगा रहे हैं तो आप लोगों के जो सेंसरी नर्व है वो फौरन मैसेजेस पहुंचाएगी जी ये ठंडी चीज़ है कोई, और जो विल सेंड अ मैसेज टू योर मसल, आप लोग उस चीज़ तक हाथ कैसे पहुंचा रहे हैं, मोटर नर्व वहां पर काम कर रही है, तो अब मोटर नर्व टू द मूव हैंड अवे. फॉर एग्जांपल देखिए इस स्टूडेंट ने, इस बच्चे ने कैसे अपने मसल्स को कैरी आगे लेकर गया हुआ है, ये यहाँ पर मोटर नर्व काम कर रही है और यहाँ इसकी सेंसेस काम कर रही हैं, इसको कहते हैं हम सेंसरी नर्व. एज इट क्लियर, यहाँ पर हमारा ये चैप्टर क्लोज हो रहा है, चैप्टर नंबर 2.